हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम देखते हैं, याद है हमने किया था कि एक इंडियन जो गर्ल है वो गई है पाकिस्तान, और वो भी पाकिस्तान रेलवेज में ट्रैवल करके। तो ऐसा लग रहा है वो अब आगे जा रही हैं, और कहाँ जा रही हैं? ये जा रही हैं पंजा साहिब से, ये कहाँ जा रही हैं? ननकाना साहिब। और ये कह रहे हैं कि ये जाएंगी वीआर रावलपिंडी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तानी ट्रेन, एक साइड बस, दोनों का कॉम्पिटिशन। हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन में आ चुके हैं। बारिश। वेलकम टू रावलपिंडी पाकिस्तान। रावलपिंडी तक इंडिया से बहुत चल रही है, और इस तरफ लगी हुई है हमारी ट्रेन। इस्लामाबाद शहर मात्र यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। 100 रुपीज का ऐसा गुलाबी नोट है। पहिया, लोकोमोटिव पाकिस्तान। रावलपिंडी भी अच्छी जगह है कि दोस्तों, कैसे हैं आप सब? फिलहाल मैं हूँ पाकिस्तान के पंजा साहिब गुरुद्वारे में। हम निकलने वाले हैं यहाँ से ननकाना साहिब के लिए। फिर से जाएंगे पाकिस्तान की ट्रेन में, और रात को होपफुली 11-12 बजे तक ननकाना साहिब पहुँचेंगे। ननकाना साहिब जहाँ, जो कि गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है, वो आपको एक्सपीरियंस करवाएंगे तलवंडी पाकिस्तान में। चलते हैं, चलिए चले। ओ मल्होत्रा जी, वाओ, थोड़ा नाम की है? दिलीप कुमार मल्होत्रा। वाह, मल्होत्रा जी से मिलके खुश हो गया, दिल बहुत प्रसन्न हुआ। शुक्रिया। सब ठीक है? सब खैरियत है? ये भी मल्होत्रा है, यूट्यूबर है। आए कभी हमारे हिंदुस्तान? मैंने इनको दे दिया नंबर, ये आते हैं मोटा सा देवदूत जाते हैं। अच्छा, हाँ, आप कांटेक्ट कीजिएगा, आइएगा जरूर। बहुत मोहब्बत मिली आपसे। अच्छा, आप भी मिले हैं, ये भी मल्होत्रा है। आपका नाम? ईशान मल्होत्रा। ईशान मल्होत्रा, अच्छा। आप कौन सी जगह से है? केपीके। फुल फॉर्म क्या है केपीके? अच्छा, सब खैरियत है, सब अच्छे से है। आने का दिल करता है उधर हिंदुस्तान? उधर 7 साल रह चुका हूँ। रह चुके हो देहरादून में? चलिए ठीक है, देहरादून पंजा साहिब गुरुद्वारे के पास से बसेस आ चुकी है, लेके जाएंगी हमें हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन तक। लगेज जो होता है ना, वो सब ऊपर रखते हैं। बारिश में सारा लगेज गीला हो जाए, पंजा साहिब जैसे अभी बारिश हो रही है। यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी तैनात थी, देखी ना क्या लगेज, क्यों किसी के कपड़े वाला? फाइनली अब यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। ठीक है जी, बाय बाय। यहाँ पे ये क्या है? वेट करें बस। नहीं, वो डब्बा सा बना हुआ कार्ड। जी अब जा रहे हैं हम, बहुत पुराना है सब कुछ, जो कि लगभग यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर है। आओ, इनकी कोई सिटी तो दिखाओ। 500 दे दो, 1500 पाकिस्तानी चाहिए है। क्यों नहीं चल दे? चल दे, ट्राई तो करके देखो। नहीं चल दे इंडिया दे रोड। ओह, ये तो सारी इंडिया से बहुत चल दे। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, 500 रुपए है। ये देखो ये लिखे 500, नहीं तो 1500। ओह हाँ, वो देखो ले रखे इंडिया रुपीज उनके पास है। वाह, इंडिया की सारी लेके रखी हुई है। देखो भी हमने अभी 500 के चेक इंडिया की गुलाबी नोट है, मिल गए, दे दिए उन किसी ने। इंडिया से आए हैं। आपको बाबा तक यही नहीं पता था आप बस किसकी ये बस ले जा रहे हो? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। उन्हें यही नहीं पता कि इसमें इंडियन बैठे हैं। पुलिस बड़ी है। कमांडोस, पुलिस वगैरह बड़ी रहती है इनकी। हालत बुरी की बुरी है। यहाँ भी पुलिस खड़ी है। ओपन ट्रेन है। ये वो ही है, ये ड्राइवर पीछे लटक रहा है। बारिश, बारिश में घर से लेकर रहे हैं। कमांडो पुलिस तो कितनी है, थोड़ी थोड़ी दूर में। ये इन लोगों के लिए खड़ी है कि वैसी खड़ी रहती है? नो क्लू क्या चल रहा है। हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन में आ चुके हैं हम। इनका रेलवे स्टेशन, वेलकम। उससे तो बेटर है, उस दिन रात को आए थे ना तो उतना अच्छे से दिख। अच्छा, वही वाला रेलवे स्टेशन ये जो अंदर वो खाना खा रहे थे। मौसम देखो बारिश का, और हसन अब्दाल यहाँ पे कुछ स्पेशल इवेंट है इसीलिए, क्योंकि ऊपर वो भी लगा रखा है,
तो गुरु नानक का की बना है वो। सामने देखिए वहाँ पे है ये स्टील रेलवे स्टेशन है, मतलब अभी तो सिर्फ डेकोर करके रखे हैं, पता है कि टूरिस्ट आएंगे। हाँ, एक बार सामने से दिखाते हैं आपको। ये देखिए स्टीम इंजन, पुराने जमाने की पाकिस्तानी ट्रेन, और ये है स्टेशन का, एक बार देख लीजिए। रुक गुरु नानक जी लगाइए, उनको पता है कि यहाँ पे आना है, उन्होंने इसलिए किया। दैट्स व्हाई चलते हैं अंदर, यहाँ से सिक्योरिटी है। दूसरी पता नहीं कोच कौन सी है, ये कोई और है, वो वाला नहीं लग रहा। सब आपको यहाँ पे मिलेगी। अभी ये न्यूली बिल्ट रेलवे स्टेशन है, 2020 में ही बिल्ट हुआ है ये नया, इनका इस टाइप से बन रहा है, देखने में मतलब काफी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। इमरान खान के टाइम का दो नंबर ट्रेन के लिए, सेकंड ट्रेन, मतलब उनका रीसेंट इस टाइप के हैं। अच्छा, दोनों और हमारे रीसेंट पूरे डेवलप्ड कंट्रीज टाइप के। उस साइड से जाएं। अच्छा चलिए, ठीक है जी, शुक्रिया। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, यहाँ पे देखिए पुलिस, विमेन पुलिस भी है, फीमेल की सिक्योरिटी के लिए तैनात। ये वीडियो लेने दे रहे हैं, ये क्या चीज है, क्या चीज है, डॉग, ओ सिक्योरिटी, ये भी सिक्योरिटी चेकर है। तो ये मशीन क्या लगाई है, ये क्या जैमर, किसको जाम कर रहा है, सेल फोन जाम है, हैं चलेंगे जाम हो जाते हैं अगर उनको यूज करने पड़ जाए सेल फोन जाम। रेलवे स्टेशन में भी जाम हो जाते हैं, ट्रेन से ही वापस जा रहे हैं। एक बार हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन, और इस तरफ लगी हुई है हमारी ये ट्रेन जिसमें हम जाएंगे, आज का सफर होगा वही ट्रेन है या डिफरेंट है, इकोनॉमी क्लास, इकोनॉमी क्लास येलो कलर की, ऐसी कुछ दिखते हैं स्पेशल इकोनॉमी, ये अलग डिफरेंट है, नया वाला है तो बेटर लग रहा है। बोलते रहे 2020 में तो, और इसमें हमारा रिटर्न फेयर भी इंक्लूड था, इसमें हम जाने वाले हैं। अभी ट्रेन हमारा पहुंच है 3 नंबर, ये बेटर भी लग रही है ट्रेन उस वाली से, तो वही सीट सेम, ये नई लग रही है ट्रेन, तो चलते हैं 3 नंबर। 3 नंबर के लिए शुक्रिया। हेलो, इसमें तो पूरा जंगजू लगा हुआ था। आगे जी, आगे 3 नंबर के लिए जाएंगे, चलिए आइए, आज भी चाय पिलाएंगे, उस दिन चाय बहुत अच्छी थी, ये वही है तो कोई और। हल्की हल्की सी बारिश है। ये है 4 नंबर स्पेशल ट्रेन, लिखा भी है उस पे, मतलब अपनी तरह से उन्होंने अपनी अच्छी कोई ट्रेन ही डाली होगी कि भैया बाहर वालों को, जहाँ तक मुझे लगता है, पता नहीं। हम शुक्रिया। सीट नंबर वही है, सेम 49, यही है, ओके सेम, वही सेम ही ट्रेन है क्या, सेम कोच, फिर सेम ही ट्रेन होगी, सर धुल के साफ हो गई है ना के। बाय गुरु जी की फतेह। लो जी हमारे साथी पैसेंजर है, सीट पर मैडम तो आगे पीछे वीडियो बना दी, खर्चो खर्चो। हाँ जी, हाँ जी, ये अकेली गई है, डोंट टेल मी अकेली आई है, अकेली गई है, पाकिस्तान जाना वो भी अकेले, अकेले गई है, नहीं कोई ना कोई होगा, फैमिली का तो कोई होगा। तो हमारे साथ है जान महल और उनकी पूरी फैमिली, अंदर ट्रेन का सफर होगा आज का सुहावना बारिश में। हाँ, और कंफर्टेबल है, बढ़िया सीट सूट, दर्शन बढ़िया हुए, बढ़िया मजा आया, बारिश बड़ी हो रही, पंजा साहब दर्शन बढ़िया हुए। जी देख लो जी, ऐसी है हमारी सीट, कोच पूरा कोच ऐसा है, ट्रेन में 3 बर्थ है, अपर मिडल लोअर, मिडल बर्थ जब सोएंगे उस टाइम पे ओपन कर लेंगे, फिलहाल तो सब सिटिंग ही है, छोटी लग रही है और बारिश इतनी तेज है, मतलब मिडल का समझ ही नहीं आता, मिडल में कैसे बंदा सोता होगा। नेवी की ड्रेस लग रही है, रेलवे की है, ठीक है जी, रेलवे की है। और सामने देखिए पहाड़ी पे कैसे बादल छा गए हैं, लगता है बहुत घनी तेज बारिश आने वाली है। ये भी कहाँ है, पूरे बादल हर तरफ, पंजा साहिब कह रहे थे सर, वेलकम टू पाकिस्तानी ट्रेन। तो जी ठीक 5 बज चुके हैं और हॉकिंग मिसलिंग हो चुकी है, ट्रेन मूव हो चुकी है यहाँ से, इतनी खूबसूरत, वो वीडियो ले रहा था, और वेदर देखो यार, पुलिस वाला, आर्मी वाला, पुलिस वाला, हसन अब्दाल से शाम के 5 बजे ये भी जा रहे हैं अंदर, पुलिस के साथ जा रही है ट्रेन सिक्योरिटी के लिए कि कल कुछ कुछ हो ना जाए कि इंडियंस जा रहे हैं। कमांडो पूरी फुल ऑन पुख्ता सिक्योरिटी, मतलब इनको भी डर है,
कि इंडियन जाए में पंगा हो गया तुम्हारे लिए हो जाएगा। स्टेशन तो बहुत प्यारा है। मुझे तो डर लगता है जब वो बोलते हैं कि कोई गलत आदमी जो उस टाइप का ना हो वहाँ पे। हो सकता है यहाँ पे नॉर्मल पाकिस्तानी अलाउड ही नहीं होंगे, हैं? ये सिर्फ उन्हीं के लिए खेल कर आओगा। देखो सारे वही हैं और से पुलिस है तो कोई पागल लोग वहाँ पे कि तुम ये बोल रहे हो नहीं होंगे ऐसे। मुझे बड़ा डर लग रहा है, मुझे तो घबराहट हो रही है। ननकाना साहब सारे वही हैं, उन्हीं के ग्रुप के लोग हैं जब आगे जाएंगे। मेरे को लगता है ये पूरा अरेंज वहीं पे बस इन्हीं लोगों के लिए किया है। नहीं, ये रेलवे स्टेशन सबके लिए होगा, अभी के लिए सिर्फ यही इवेंट होगा। ट्रेन तो और कहाँ है, बाकी स्टेशन में लोग कहाँ है, कोई भी नहीं है स्टेशन पे। अभी के लिए उन्होंने रोका होगा अभी। हाँ वही तो कह रही हूँ मैं, बस ट्रेन जाएंगी धंधे लाओ उधर से कम। इनका ये वाला स्टेशन बेटर है जो नया बनाया है अभी। ये था हसन अब्दाल, बाय करते हुए हसन अब्दाल है जगह कोई। ये भी बना है ना, पर कोई है ही नहीं है, दुनिया ही नहीं है, कोई ट्रेन ही नहीं यूज कर रहा। अब ये देखते हैं ये ऐसी धीरे धीरे चलेगी, चल पहले चल रही थी क्या? सच्ची में तो बहुत धीरे चल रही है। जब ऐसी ट्रेन जब शुरू होती है तो ऐसे धीरे चलती है क्या? हमारी तो तेज चलती है। नहीं, जब पुराने जमाने की जब होती थी तब ऐसे धीरे चलती थी क्या? मैं तो वो सूट हूँ, मैं आज की नहीं पूछ रही, आज की तो हमारी उस पते एकदम से स्टार्ट होती हैं जब हम छोटे थे। पकड़ लिया स्पीड थोड़ी, अभी भी धीरे है। ये कौन सी स्पीड है? हसन अब्दाल से निकलते ही ट्रेन ने लिया। इनका थोड़ा है चक्कर, इस ये बहुत स्लो रहती है लगता है इनकी, बड़ी स्लो ट्रेन, आगे जाके थोड़ी तेज होती होगी क्योंकि इनके इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं, इलेक्ट्रिकल तो है सारी डीजल वाली हैं, इलेक्ट्रिक तो है नहीं। मॉनसून आ गया है इतना जल्दी यहाँ पर। ये कह रहे थे एसी ट्रेन है, इकोनॉमी क्लास, तो इसमें एसी है ही नहीं कहीं, कोई एसी नहीं। ये क्या गिरा रहा है? तो कुछ गिराया। थोड़े पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं तो थोड़ा मौसम अच्छा हो रहा है, क्लीनिनेस भी है, पहाड़ी वाली इसमें है। खूबसूरत ट्रेन का सफर, सब ग्रीन की थीम है, ग्रीन ग्रीन कर रखे हैं अंदर से, टू मच ग्रीन। अब थोड़ी स्पीड हुई है यहाँ, बट अगेन दे डोंट हैव इलेक्ट्रिक, बड़ी हिल रही है मगर। ये रुकी हुई है, ये बीच में रुकी पड़ी है, ये तो चल ही नहीं रही लगता। चल रही है या रुकी हुई है? मुझे तो फील हो रहा है जैसे रुकी हुई है, तो रुकी हुई है। लोग भी ऐसे ही खड़े हैं ट्रैक पे। स्पीड ट्रेन की काफी बेहतरीन है अभी, और जो पाकिस्तानी यहाँ की विलेज लाइफ है वो भी एक्सप्लोर करने को मिलेगी। ट्रेन से सफर करने हमें तो सिटी लाइफ देखने, हम तो विलेज ही देखते रह गए पूरे वीडियो में। विलेज लाइफ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ कुछ मॉडर्नाइजेशन है अभी नहीं है। चलो यहाँ तो रास्ते के बीच में तो गाँव को ही आएंगे। सोलर सिस्टम का सोलर पैनल, बिजली के प्रोडक्ट है, हाइड्रो प्लांट, बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट।
ये वाला स्टेशन जो था थोड़ा स्लाइ बेटर था एज कम्पेयर टू जो हमने उस टाइम देखा था, वो तो बहुत ही शॉकिंग था। पर ये भी देखना चाहिए कि ये 2020 में बना है, मतलब अभी बना है, पर अभी के हिसाब से ये पुराने जमाने की लुक का था सारा, जिसमें वो टिकट काउंटर और वो सब बनाए हुए थे था। मतलब कोई अगर आप कंपेयर करो हमारे जो यहाँ इंडिया में बन रहे हैं, इतने सुंदर ट्रेन स्टेशंस बन रहे हैं, नहीं, हमारे स्टेशन तो लगे एयरपोर्ट, हाँ एयरपोर्ट, हमारे तो एयरपोर्ट जैसे हैं, तो हम लोग बना रहे हैं कह रहे हैं उसे रेलवे स्टेशन, हाँ एयरपोर्ट, और यहाँ पर वो बन रहे हैं जो हमारे पहले बने हुए थे पुराने जमाने के, जो हम जिनको चेंज करके अब एयरपोर्ट टाइप बना रहे हैं, ये वो बना रहे हैं जिनको हमने चेंज कर दिया है, अब कर रहे हैं वो अब बन रहे हैं इनके। पर देख के एटलीस्ट थोड़ा लगा कि हाँ थोड़ा बेटर तो लगा, नहीं तो मेरे तो वो था कि भैया ये कैसा है, इतना बुरा हाल, जगह अच्छी लग रही थी क्योंकि बारिश आ रही थी, मौसम अच्छा था, मौसम पहाड़ियाँ थी, तो इट वॉज लुकिंग लाइक अ नाइस, थोड़े थोड़े लग रहा है कि थोड़ा एरिया साफ लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा ग्रीनरी भी हुई हुई है, और पहाड़ी लग रहा है, पूरा स्पेशल रूट है, स्पेशल रूट है, स्पेशल सिक्योरिटी है, बहुत सिक्योरिटी स्पेसिफिकली, बस लोगों को लेके जाना वापस, वापस लेके आना, अंदर ट्रेनों में भी पुलिस भरी पड़ी है, उन्होंने साथ साथ में मेरे को लग रहा है हर डब्बे में पता नहीं कितनी, ऐसा लग रहा है अकेले जा रही है, इन्हीं के लिए जा रहे हैं, पूरी सिक्योरिटी, लेडी भी अकेले जा रही है, ऐसा लेडी भी अकेले जा रही है, लगा तो यही था, पाप रे। पर जब ये लोग बोलते थे ना वाहेगुरु का, तो मेरे को डर लग रहा होता था कि भैया, पता नहीं घबराहट हो रही थी मुझे तब, कहीं पता नहीं होता कौन पागल वहाँ पे हो या कुछ हो, पर एनीवे अभी इनकी जर्नी तो बहुत अच्छी लग रही है, अभी तक की मज़ेदार लग रही है, सब बड़े अच्छे दर्शन कर रहे हैं, तो इतना देखकर अच्छा लगा यार। तो चल आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।